दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स का एक और जबरदस्त क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025-2024 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का यह पेपर फिजिक्स क्लास 11th बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सब एक से बढ़कर एक हैं आपके हाफ ईयरली, और कुछ क्वेश्चन तो आपके ईयरली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जल्दी से आप ये पेपर देख लेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 24-25 का ये फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का, 2.5 घंटे टाइम दिया गया, हालांकि 3-3.25 घंटे का टाइम होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न, दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? तो दाब का विमीय सूत्र F, दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब ML T-2 होती है बल की विमा, ML T-2 अपॉन, यहां पर हम एरिया को लेते हैं L स्क्वायर, जब हम करेंगे तो यहां पर एक L कैंसिल, L ऊपर जाएगा, ML-1 T-2 यहां पर विमीय सूत्र आएगा किसका? दाब का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही है, ML-1 T-2 ये विमीय सूत्र है दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सार्थक अंक भैया बताना है आपको, बच्चों वाला प्रश्न है, आप बता लोगे कितने सार्थक अंक हैं? 3, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल का सही सूत्र क्या होगा? प्रतिबल का सही सूत्र क्या होगा? F अपॉन ए स्क्वायर होगा, या F अपॉन ए टी होगा, या F अपॉन ए होगा, या FL अपॉन ए होगा? तो भैया प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल, इसको हम प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है मतलब उसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, बल भी दिशा होती है, सदिश है, सदिश है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है या 2 मीटर/सेकंड² के त्वरण से गतिमान है, वस्तु पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, मैं यहां पर आपको हर एक कोर्ट का पेपर अलग अलग, सभी कोर्ट के पेपर यहां पर दे रहा हूं, कई सारे पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी अंग्रेजी सभी विषयों के क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे पेपर लगभग आ चुके हैं, और अभी अलग अलग कोर्ट के पेपर आते रहेंगे। सो इसका आंसर क्या होगा? 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 1 न्यूटन या 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है यहां पर प्रश्न संख्या 2, यहां पर 2-2 नंबर वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रक्षेप के परास का सूत्र लिखिए, जो कैपिटल आर का सूत्र होता है वो आपको यहां पर लिखना है। प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप उड़ान वाला जो सूत्र होते हैं, 3 उड्डयन काल, परास और आवर्तकाल। उड्डयन काल आवर्तकाल एक ही बात है, परास और एक क्या होता है वो आप बता दो कॉमेंट बॉक्स में। परास, उड्डयन काल और एक क्या होता है भाई? महत्तम ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल किसे कहते हैं? इसका एमकेएस में मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। सीजीएस में क्या होगा? डाइन होगा। एफ बराबर एम ए न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन तथा दूरी में अंतर स्पष्ट करो। विस्थापन तथा दूरी में अंतर स्पष्ट करो, क्लास 9th का ये तो क्वेश्चन है, इजी है। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 3i cap + 2j cap + k cap तथा सदिश बी वेक्टर बराबर 5i cap - 5j cap + k cap हो, तो ए डॉट बी, यानी कि यहां पर सदिशों का गुणनफल निकालना है, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है ससंजक तथा असंजक बल से आप क्या समझते हैं? ससंजक तथा असंजक बल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए, ससंजक बल तथा असंजक बल, ससंजक और असंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति विषयक के तृतीय नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। न्यूटन के गति विषयक के तृतीय नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, इसका वेग 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है,
6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु का यहां पर कुछ मिसप्रिंट है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। r क्या है, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, m है वस्तु का द्रव्यमान, v है उसका वेग। तो अभिकेंद्र बल कैसे लगेगा, किस दिशा में लगता है, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। अभिकेंद्र बल किस ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है या केंद्र से बाहर की ओर, ये कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताओ। तो सूत्र होता है F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, ये अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र पूछ रहे हैं, बल का नहीं, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल का ही सूत्र था, त्वरण का आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा इसका निगमन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दो सदिश, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदिशों का योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश परिमाण में आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के तार की लंबाई 1 मीटर तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल, यहां पर मिसप्रिंट है, mm स्क्वायर है, इसे बल लगाकर 1 mm तक बढ़ा दिया जाए तो तनी हुई अवस्था में तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा की गणना कीजिए, धातु का वेग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली की प्रमेय लिखना है, इसके दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्व शीर्ष को समझाइए। बर्नौली की प्रमेय में जो दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्व शीर्ष होते हैं, इनको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर जल पर दाब में कितना परिवर्तन किया जाए कि वह 0.10 से संपीड़ित हो जाए, जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दिया है 2.2 × 10⁻¹ पास्कल। 1 लीटर जल पर कितना दाब, यहां पर कितना दाब परिवर्तन किया जाए, दाब में कितना परिवर्तन किया जाए कि वह 0.10 से संपीड़ित हो जाए, प्रतिशत से संपीड़ित हो जाए, जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2.2 × 10⁹ पास्कल। नहीं आता तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, ऊपर वाला नहीं करना तो ये वाला कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, द्रव के पृष्ठ ऊर्जा से क्या समझते हैं, द्रव के एक आयताकार फिल्म 5 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, यदि इस फिल्म का आकार बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर करने के लिए 3 × 10⁻⁴ जूल कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव निकालिए। यह न्यूमेरिकल पृष्ठ तनाव पर आधारित है, नहीं आता ये न्यूमेरिकल तो आप न्यूमेरिकल इसको छोड़कर आप कर सकते हैं। यदि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल V माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है, तो विमा विधि से इसके बीच संबंध प्राप्त कीजिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल कैपिटल V, माध्यम की प्रत्यास्थता कैपिटल E तथा घनत्व स्मॉल D है, D पर निर्भर करती है, तो विमा विधि से इनके बीच संबंध निकालो। अगला क्वेश्चन है, अवकलन विधि से सिद्ध करना है S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि न्यूटन के जो गति विषयक का दूसरा नियम है उसको, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन करना है अवकलन विधि से। कौन सी विधि से, अवकलन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का खा, कोई कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो ज्ञात करना है आपको उसका कोणीय वेग, उसका रेखीय वेग और अभिकेंद्रीय त्वरण। कोणीय वेग, रेखीय वेग और अभिकेंद्रीय त्वरण निकालना है। अगला क्वेश्चन है कि एक द्रव्यमानहीन डोरी के दोनों सिरों पर 10 kg तथा 20 kg के द्रव्यमान बंधे हैं, डोरी निकाय को मुक्त छोड़ दिया जाए तो ज्ञात करना है त्वरण और डोरी में तनाव। नीट लेवल का ये क्वेश्चन यहां पर रख दिया गया है। द्रव्यमानहीन डोरी के दोनों सिरों पर एक तरफ 10 केजी एक तरफ 20 केजी का द्रव्यमान है m1 m2, डोरी के निकाय को मुक्त छोड़ दिया मतलब फ्री लटका दिया गया ऐसे ही वेट बांध के, तो उसमें त्वरण कितना होगा और डोरी में तनाव कितना होगा निकालना है।
नहीं आता है तो आपको ये वाला ऑप्शन मिला है कि अविरतता का सिद्धांत लिखिए, अविरतता का सिद्धांत लिखिए, सिद्ध कीजिए कि नली के लिए A2 into V1 is equal to A2 into V2। तो यहां पर A1 होगा ना, A1 V1 is equal to A2 V2। तो इसको देखेंगे आप, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्प्रे पंप की एक बेलनाकार नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस नली के एक सिरे पर 1 mm व्यास के 40 सूक्ष्म छिद्र किए गए हैं। यदि नली के भीतर द्रव के प्रवाहित होने की दर 1.5 मीटर पर सेकंड हो तो छिद्रों से होकर जाने वाले द्रव की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो ये न्यूमेरिकल है जो द्रव स्थैतिकी वाला चैप्टर है वहां से, ठीक है। सो ये पूरा पेपर है, क्वेश्चन ठीक है, इस तरह अच्छा है क्वेश्चन का। इनका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व करके जरूर जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्वेल्थ के हिसाब से आप भी अपनी इसी तरह से तैयारी आगे बढ़ाओगे। इस लेवल के क्वेश्चन 11th में आते हैं आपके सिलेबस से, तो 12th के सिलेबस से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप इस तरह से गेस कर सकते हैं। सो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। साथ ही साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ सॉल्यूशन और इस पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।